Assalamualaikum, welcome back. आज हम next chapter start कर रहे हैं, chapter number 7 हमारे पास है oscillatory motion. Oscillatory motion हमारे पास क्या होती है? Basic chapter की definition क्या है? It is a type of motion in which a body move to and fro about a mean position. कोई भी body जो है अपनी जो move करती है to and fro, यानी एक ही mean position के आगे पीछे दौड़ आती है. Let's suppose हमारे पास ये pendulum है. इसी धागे के साथ ये गोली जो है लटका दी है, तो अब इसको ओ पोजीशन से अगर हम ए पोजीशन तक ले आए एंड ये बी पोजीशन, तो ये क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा टू एंड फ्रो, यानी कि आगे पीछे मूव करता रहेगा. एंड सेकंड इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन क्या होती है? इट इज अ वाइब्रेटरी मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. कि हमारे पास कोई भी बॉडी जो है, लेट्स सपोज ये पेंडुलम है, एक सेकंड में एक वाइब्रेशन को कंप्लीट कर रहा है, अगले एक सेकंड में भी ये ही वही वाइब्रेशन कंप्लीट करे, तो हमारे पास वो क्या होगी? पीरियोडिक मोशन होगी. कि सेम टाइम पीरियड में उसकी सेम जो है वाइब्रेशन जो है कंप्लीट हो रही है. लाइक हमारे पास अ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, स्प्रिंग से हम इसकी मिसाल दे सकते हैं, अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ये भी हम कर सकते हैं, अ स्टील रूल क्लैंप एट एंड ऑफ द बेंच oscillator when free hand and is displaced sideways, the steel ball rolling in a curved dish. कोई भी curved dish है, उसमें हम कोई भी गोली जो है, steel ball जो है, वो डाल दें और उसको move कराएं, तो वो क्या करेगी? अपने to and fro motion करेगी about its mean position. वो हमारे पास periodic motion या oscillatory motion के में आ जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास है टाइम पीरियड. कोई भी जो बॉडी है वो अपनी ऑसिलेशन कंप्लीट करती है, और टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास? द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन अबाउट अ मीन पोजीशन. कि कोई मीन पोजीशन पर एक कंप्लीट जो रेवोल्यूशन है, कंप्लीट जो हमारे पास वाइब्रेशन है, उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड. जितना वो टाइम लेगी उस दौरान, वो हमारे पास क्या होगा? टाइम पीरियड होगा. टी इक्वल टू वन ओवर एफ, उसके रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी का हमारे पास टाइम पीरियड होता है, यूनिट इसका सेकंड्स में होता है. नेक्स्ट हमारे पास है वाइब्रेशन क्या होती है. वाइब्रेशन वन राउंड फ्रिज, यानी एक मुकम्मल जो चक्कर है, किसी भी जो बॉडी है एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो एक कंप्लीट चक्कर जब मुकम्मल कर लेगा, वो हमारे पास क्या होगी? वाइब्रेशन होगी अबाउट इट्स मीन पोजिशन. अपनी मीन पोजिशन से आगे पीछे जो है, वो एक मुकम्मल चक्कर, उसका एक वाइब्रेशन कह जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज़ अ बेसिक हमारे पास जो है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय अ बॉडी इन वन सेकंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. एक सेकंड में वो हमारे पास कितनी वाइब्रेशन मुकम्मल कर रही है, वो हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी. इसीलिए इसका जो है फार्मूला भी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है. टाइम इसके रेसिप्रोकल है एफ इक्वल टू वन ओवर टी, और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज. सो हर्ट्ज फी सेकंड बोलते हैं, और फी सेकंड जो हमारे पास है वो हर्ट्ज के इक्वल होता है. नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं, वो हमारे पास है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एट अ साइड फ्रॉम द मीन पोजीशन. क्या मीन पोजीशन से वो कितना मैक्सिमम जो है डिस्प्लेस करती है, डिस्टेंस कवर करती है, डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, वो हमारे पास क्या होगा? उसका एम्पलीट्यूड होगा. लेट्स सपोज हमारे पास अगर ये पेंडुलम है, तो यहां से ओ से बी तक वो जितना दूर जाएगी वो उसका एक्स, और वो हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा. इसको एक्स नॉट से डिनोट करते हैं. और सेकंड लास्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स. इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है? कोई भी बॉडी जब किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर हम कोई फोर्स लगाते हैं, तो वो क्या करेगी? अपने एक मीन पोजीशन के आगे पीछे वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी, और जिस वजह से वो स्टार्ट करेगी, और जो उसमें जो उसको उस मोशन का वजह बनती है, वो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है. रिस्टोर जब भी कोई बॉडी जो है उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, वो क्या करेगी? अपनी आगे पीछे मूव करती रहेगी. जब मूव करेगी तो उसकी बेसिक फंक्शन यही है, द फोर्स थ्रू व्हिच अ बॉडी मूव टू एंड फ्रो इट्स मीन पोजीशन. के जिस वजह से वो मूव करता रहता है, जब तक कि उसमें इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद होती है, वो मूव करता रहता है, उसके अलावा मूव नहीं करता, और उसके बाद जब खत्म हो जाती है, यानी कि F is directly proportional to x के, कि जितनी हम ज्यादा फोर्स देंगे उतना ही वो डिस्टेंस कवर करेगा, और उतना उसमें डिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगी.
नेक्स्ट हमारे पास है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है? इट स्टेट दैट विद द इलास्टिक एलिमेंट द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। कि एफ जो है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। के जितना ज्यादा हम किसी भी बॉडी के ऊपर लाइक सिंपल पेंडुलम पे जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे वो उतना ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। और एफ इक्वल टू के क्या आ जाएगा? के हमारे पास कांस्टेंट होता है। के कांस्टेंट क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। क्या मतलब? यहां से फोर्स निकाल के निकालना चाहे तो के इक्वल टू आ जाएगा एफ ओवर एक्स। डिपेंड अपॉन द मटीरियल। के मटीरियल कैसा है? हम लोहे का स्प्रिंग ले रहे हैं, एल्यूमिनियम का ले रहे हैं, सिल्वर का ले रहे हैं। तो जैसा जो हमारे पास स्प्रिंग होगा के की वैल्यू जो होगी उसके हिसाब से होगी और वो कांस्टेंट रहेगी किसी भी मटेरियल में जब उसको किसी मैस के साथ डिस्प्लेस किया जाएगा। ये थी हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी सिंपल पेंडुलम और मजीद इसकी एप्लीकेशन को। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा।